नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर प्रेम घोड़के। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस विषय की ओर ही बढ़ते हैं। भक्ति काल की जो दो धाराएं हैं, निर्गुण काम्य धारा और सगुण काम्य धारा, तो इन दो धाराओं के बीच विशेष रूप से फिर से दो दो शाखाएं पड़ती हैं। तो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत एक संत काव्य शाखा है और दूसरी प्रेम काव्य शाखा। उसी प्रकार सगुण काव्य धारा के अंतर्गत और कृष्ण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाली जो कृष्ण काव्य धारा या कृष्ण शाखा भी जिसे कहा जाता है, उसके प्रमुख कवि सूरदास माने जाते हैं। और सूरदास के बाद मीराबाई वगैरह ऐसे बहुत सारे कवि हैं, लेकिन सूरदास प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो सगुण काव्य धारा के अंतर्गत सूरदास ने कृष्ण को अपना ईश्वर मानते हुए उन्हीं के भक्ति में वो लीन हुए हैं। असल में सूरदास को आंधा कहा जाता है, वो आंधे थे ऐसा कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे किंवदंतियां हैं, बहुत सारे लोग उन्हें आंधा, वो जन्म से अंधे थे ऐसा कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो बाद में अंधे हुए थे। तो ऐसी अनेक सारी कथाएं हैं। तो उन कथाओं पर विवाद न करते हुए उन्होंने कृष्ण के संबंध में उन्हें अपना ईश्वर मानते हुए जो कुछ भी पद रचे हैं, उन पदों के बारे में अगर हम चर्चा करने लगे तो उनके पदों में कृष्ण भक्ति का जो सुर है वो प्रमुख रूप में दिखाई देता है। लेकिन उन्हीं के अंतर्गत कृष्ण से, कृष्ण के बचपन से लेकर बाद में किशोर अवस्था में राधा के संग उनका जो प्रेम प्रसंग है, उनकी जो विरहव्यता है, ये सारी बातें और आखिर में उनके मृत्यु तक का जो सारा वर्णन है वो सूरदास ने किया है। अब हम भी कहते हैं कि सूरदास आंधे होते हुए भी उन्होंने कृष्ण के बचपन की बाल लीलाओं का जो बहुत सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है, उसकी चर्चा यहां पर इन पदों में दी गई है। तो सूरदास ने जो पद रचे हैं उन्हीं पदों में से कुछ भाग हमारे आपके सामने यहां पर प्रस्तुत है। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने वात्सल्य वर्णन भी किया है, ममता के वात्सल्य का भी वर्णन किया है। और वो बचपन में किस प्रकार लीलाएं करते थे, उनका जो बचपन है वो किस प्रकार बीता गया, कुछ उदाहरण, कुछ झलक जो है तो इन जो यहाँ पर जो हम पद देख रहे हैं इनमें दिखाई देते। शुरुआत करते हैं, किनकत काना गुटुरमनी आवत मणिमय कनका नंद के आंगन बिंब पकड़ बे धावत। किनकत काना गुटुरमनी आवत मणिमय कनका नंद आंगन बिंब पकीरी बेधावत। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकीरी बेधावत। किलकत काना गुटरुनिया, जो बचपन वाला काना है, जो कृष्ण है बचपन में, किलकत मतलब किलकारियां मारते हुए अपने घुटनों के बल पूरे आंगन में घूम रहा है। नंद का जो आंगन है उस आंगन में जो ऐसी सूरज की जो छाया है, सूरज की जो किरणें हैं वो सोने के कलर के दिख रहे हैं, और उसे उसी के उस नंद के आंगन में घूमते वक्त अपनी जो प्रतिमा है, अपनी जो छाया है, उसे पकड़ने के लिए वो इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। कबहु निरखी हरि अपछाह को करसो पकड़न चाहत। कबहु निरखी हरि आप चाह को करसो पकड़न चाह। अर्थात वो क्या कर रहे हैं कृष्ण, नंद की जो आंगन में सूरज की किरणें पड़ी है उसमें वो इधर उधर घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो वह किलकारियां मारते हुए जब दौड़ रहे हैं तो उन्हें अपनी जो छाया है वो देखने के बाद बड़ा आनंद हुआ है। तो क्या कर रहे हैं, कभी उसे ऐसे दृष्टि से देख रहे हैं, अब मैं उसे पकड़ू क्या करूं क्या करूं, कभी उस और जो अपनी जो छाव पड़ी है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर वो भाग रहे हैं। किल की हसत साज दवे दंतिया पुनी पुनीत ही होगा वह, मतलब वो किलकारियां मारते हो तो उनकी जो दंत पंक्तियां है
वो जो है सजी हुई देवदातों की पंक्तियां है वो पूरी सफेद रंग में दिखाई देती है और पुनी पुनी तिहिया होगा, मतलब यह जो गाना है किलकारियां मारते हुए हंसते हुए पुनः पुनः उस अपनी जो प्रति छाया है या फिर जो उनकी जो छाव पड़ी है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जो प्रतिबिंब है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राज, मतलब इस कनक भूमि पर, इस सोने की भूमि पर उनकी जो पाँव की जो छाया है या फिर उनकी जो पाँव उनके जो इधर उधर पग दौड़ रहे हैं उस छाव को पकड़ने के लिए, तो उसके लिए जो रजत जिसे कहा जाता है, मतलब चांदी जिसे कहा जाता है, उसकी उपमा दी गई है। आगे देखो, प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा कमल बैठ की साजती, अर्थात प्रतिकर मतलब अपने जो हाथ है, प्रतिपद अपने जो पद है मतलब अपने जो पाव है, वो देखकर वसुधा जो है कमल बैठ की साजती, अर्थात उनके जो पैर है जो हाथ है और वो जब ऐसे बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कमल के बीच से कोई ऐसा फूल उमड़ रहा है, इतनी सुंदर मतलब वो सजा हुआ है, ऐसा उनका वो सारा व्यवहार जो है दिखाई दे रहा है। बाल दशा सुख निर की जसोदा पुनी पुनी नंद मुलावती, मतलब ये बाल कृष्ण जो है ना उसका ये जो अवतार है वो देख रही है। बाल दशा सुख निर की जसोदा, जसोदा जो है यशोदा माता जो है कृष्ण की ये सारी लीलाएं देखकर नंद को बुला रही है, पुनः पुनः बुला रही है कि देखो ये हमारा बच्चा ऐसा कितना अपने आंगन में इधर उधर दौड़ रहा है, हंस रहा है, किलकारियां मार रहा है, बहुत सुंदर वर्णन है। और आखिरी पंक्तियां देखो, आंचरातर लय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती, कितना सुंदर और वर्णन है। ममता का जो वात्सल्य है वह वात्सल्य इन पंक्तियों में दिखाई देता है, आचरातर लय ढांकी सूर के प्रभु को दूध पियावती, मतलब सूर के प्रभु मतलब कृष्ण को यशोदा जो है अपने आंचल में छुपा रही है और उसे ढक कर दूध पिला रही है, मतलब यह जो ममता की माया है, यह जो ममता का वात्सल्य पूर्ण वर्णन है यहाँ पर सूर ने अपने इन आखिरी पंक्तियों में बताया है। तो सूर ने अपने कृष्ण को बचपन से लेकर जो आखिरी तक का समय अपने ईश्वर मानते हुए उन्हीं के भक्ति में लीन होने की जो प्रार्थना की है या फिर जो भक्ति है इन पदों के माध्यम से दिखाई देती है, और इन पदों में ममता का वात्सल्य पूर्ण वर्णन भी है, कृष्ण का बाल मनोवैज्ञान भी है जो सूर ने बहुत सुंदर पदों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है।